ईशा भाभी की बात माननी नहीं चाहिए थी। फालतू में पापा ने इतना डांट दिया, पता नहीं बेचारी गेंदा के साथ मैं क्या करने जा रहा था। ये अब से सुननी ही नहीं किसी की। अब से सिर्फ एक ही सच्चाई है, गेंदा मेरी बीवी है और इस घर के तौर तरीके सीखने और समझने में हमेशा उसका साथ दूंगा। आपके लिए गिफ्ट। कुछ याद आया? ये वही रुमाल है जो उस दिन आपने मुझे रेस्टोरेंट में दिया था। मैं इसे साफ करके आती हूँ। सुनो, आपने गुस्से से दिया था, मैं प्यार से लौटा रही। बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है, थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आया। ऐसी बात नहीं है, आप लाए तो हैं, बस मुझे दे नहीं रहे। क्या?
अपनी स्माइल। बैठो बैठो। केंद्र, तुम इस घर में नई नई हो, तुम्हें अगर कुछ जानना समझना हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आपकी हेल्प की तो मुझे हर बात में जरूरत होगी, और अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं सब कुछ बहुत जल्दी सीख भी जाऊंगी और समझ भी जाऊंगी। वैसे किसी के बारे में तो नहीं, लेकिन लेकिन एक इंसान के बारे में मैं बताना चाहूंगा। भाभी से थोड़ा बच के ही रहे। निशा भाभी? क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, बस थोड़ा संभाल के रहना, और कुछ नहीं। निशा, तुम अपने हाथों से ये चंद्रहार गेंदा को दो। मंडप में जो तुमने बचकानी हरकत की ना, उसे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी। इस गेंदा की वजह से पापा जी ने जो मेरी सबके सामने बेइज्जती की है, इसका बदला तो मैं गेंदा से लेकर रहूंगी। निशा भाभी तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है, बहुत प्यार से बात करती है। गेंदा, जो मैं कह रहा हूँ उसे समझो, बस थोड़ा संभाल के रहना उनसे। मेरा तो 36 का आंकड़ा रहता है उनके साथ। भाभी और देवर का रिश्ता ही ऐसा होता है, खट्टा मीठा। और मैं तो उनकी देवरानी हूं ना, मुझसे प्यार से ही बात करेंगे। आपको ये सच में वरुण अब ठीक तो है? थकान बहुत हो गई ना, सो जाओ। हाँ, तुम भी सो जाना। गेंदा को मेरी बीमारी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।
थैंक यू महाराज जी, कम से कम मैं वरुण के चेहरे पे स्माइल तो ला पाई। मुझे पूरा भरोसा है कि इस घर में मेरी नई जिंदगी का सफर बहुत हंसी खुशी शुरू होने वाला है। सोई नहीं? खाना खाया तुमने? जी मनीष जी, पेट भर के खाया। पापा जी की डांट। निशा मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन पापा भी अपनी जगह सही थे। देखो अपना मूड मत खराब करो, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। चलो सो जाओ। आप सो जाइए मनीष जी, मैं ठीक हूं। निशा प्लीज। मुझे एक बात बताइए मनीष जी, क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए? दिन रात कोलू के बैल की तरह लगी रहती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ। अपनी शादी में भी ना कितना कुछ लेकर आई थी, पर क्या कभी मैंने घमंड किया इस बात का? नहीं ना। बदले में क्या मिला मुझे? पापा जी वो चंद्रहार तक नहीं दे पाए मुझे, वो भी उन्होंने उस गेंदा को दे दिया। आप बताइए पापा जी ने ठीक किया मेरे साथ? अनुराधा अब तो तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई, दो बहुएं घर में आ गई। पहले तो सिर्फ निशा थी, तुमने अच्छी तरह संभाल लिया, लेकिन अब दो बहुओं के झमेले को संभालना मतलब टेढ़ी खीर है, मुश्किल है। अब असल में तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा? मैं समझी नहीं। क्या है अनुराधा, जिस तरह मैं और गोपाल अलग हुए ना, मैं नहीं चाहता वरुण और मनीष भी उसी रास्ते पर जाए। मेरी इच्छा यही है कि हम सभी लोग, पूरा परिवार एक साथ रहे, एकजुट रहे। इसको कायम रखने में तुम्हें घर के अंदर कोशिश करनी पड़ेगी और मुझे घर के बाहर। रोना बंद करो प्लीज। मैं सब समझता हूं, लेकिन एक बात तुम्हें भी समझनी होगी, तुम इस घर की बड़ी बहू हो निशा, तुम्हारे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और कल बहुत सारे काम है हमें। कल मुंह दिखाई की रस्म है, और पता है ना तुम्हें, अम्मा जी घर आ रही है। जी। महान आत्मा इस घर में पधार रही है, सच में हमारा पुण्य है। वो सात्विक खाना खाती है, ये तुम जानती हो। उनके खान पान का जरा ध्यान रखना। कल गेंदा की पहली रसोई है, उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाएगी अम्मा जी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अम्मा जी की इस घर में और हमारे समाज में क्या इज्जत है और क्या जगह है। वो किसी के घर पे भी आती जाती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आ रही है। हमारी शादी में भी नहीं आई थी वो, क्योंकि वो अपनी तपस्या में लीन थी। देखो मैं चाहता हूँ जब अम्मा जी आए ना, तो तुम उनका आशीर्वाद लेना, और ध्यान रखना कल कोई गड़बड़ ना हो। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अनुराधा, ध्यान देना जरा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गेंदा अब मेरी जिम्मेदारी, कल सब अच्छे से हो जाएगा। अब प्लीज मूड ठीक करो और सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, सुबह जल्दी उठना है ना। ओके चिंता मत कीजिए मनीष जी, ध्यान तो मैं रखूंगी, और ऐसा ध्यान रखूंगी जो सबको उम्र भर याद रहेगा। अम्मा जी की क्या जगह है ये तो सब जानते हैं, लेकिन गेंदा को भी उसकी जगह बतानी पड़ेगी ना। मेरी बेइज्जती कराई है उसने सबके सामने, अब आप देखना कैसे मैं उसकी इज्जत में चार चांद लगाती हूं। Thank you.
आज वैन दे देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। अरे निशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी वो आज गेंदा की पहली रसोई है ना, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले सारी तैयारी कर दूँ ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। ये तो फर्ज बनता है ना मेरा। यही तो मैं समझा रहा था तुम्हें कल, मेरा तुम्हारा काम हमारे नाम से, हमारा मान हमारी इज्जत से जुड़ी हुई है, है? जी तेरा। बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा अनुराधा मैं दुकान के लिए निकलता हूँ, दोपहर के खाने तक आ जाऊंगा, फिर याद दिला रहा हूँ अम्मा जी सात्विक खाना खाती हैं, लहसुन और प्याज से सख्त परहेज है हमें, हैं? तुम खुद ध्यान दो। अब ये लहसुन वहसन प्याज व्याज घर पे हो तो वो नजर नहीं आनी चाहिए जब तक वो यहाँ है। आप निश्चिंत रहिए, कल ही मैंने निशा से कहकर प्याज और लहसुन बाहर रखवा दिए थे। चलो अच्छी बात, चलता हूँ। वरुण वो आप अरे वरुण चाची तो सो रहे हैं, वो देखो। शिवम तुम आप क्या कर रहे हो चाची? मैं अपने महाराज जी की चारों सिखों की स्थापना कर रही हूँ इस घर में। कौन से महाराज जी? अग्रसेन महाराज जी। तुम उनकी सीखों के बारे में जानना चाहते हो? चलो। महाराज जी की पहली सीख लक्ष्मी चंचला है, उनका सम्मान करें। चंचला मतलब? चंचला मतलब हम ना लक्ष्मी माँ को किसी एक जगह पे रोक के नहीं रख सकते। जैसे कुछ नॉटी बच्चे होते हैं ना जिनको हम एक जगह पे बिठा के नहीं रख सकते, बिल्कुल वैसे। मम्मी कहती है मैं भी बहुत नॉटी हूँ। नॉटी का तो पता नहीं पर तुम क्यूट बहुत हो। तो चलो ना मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ। शिवम अभी नहीं बेटा। चलो ना चाची। अभी जी चलो ना, छोटे करवाल साहब चाहते हैं कि वो अभी आपको पूरा घर दिखाएं। चलो ना चाची। निशा तुम तैयारी करो, मैं गेंदा को बुला कर लाती हूँ। और देखो सब संभाल लेना, गेंदा की पहली रसोई है, सबको याद रहनी चाहिए। जी मम्मी जी। सबका तो पता नहीं मम्मी जी, लेकिन गेंदा रानी को जरूर याद रहेगा। पहली रसोई भी और जेठानी के साथ लिया हुआ पहला पंगा भी। आज मुंह दिखाई के बाद
तुम्हारा मुंह देखने लायक होगा। गेंदा।